आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि अगर मुझे कल बोलने दिया गया तो मैं सदन में अपनी बात जरूर रखूंगा। चलिए अब आपको सीधा चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर विभिन्न योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उनके उद्बोधन के लिए प्रार्थना करता हूं। स्वागत ढंग से करवाएंगे, आप कहोगे जब सीएम साहब जाएंगे, ऐसी कोई बात है क्या? बहुत ही आज एक सुंदर अवसर है जब हरियाणा के व्यापारी वर्ग को यहाँ इन दो योजनाओं का लॉन्च करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, जो इस वर्ष जिनकी नियुक्ति हुई है, हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं बालकिशन जी, उपाध्यक्ष हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के हमारे श्री श्रीनिवास जी गोयल बैठे, उकलाना निवासी हैं, बहुत ही पुराने साथी हैं हमारे ये, और दूसरे उपाध्यक्ष हैं श्री सुरेश मित्तल जी, ये भी हमारे पुराने साथी हैं, ये दूसरे उपाध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्ष रामनिवास जी अभी इस टर्म से पहले अध्यक्ष रहे हैं। मंच पर विराजमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री उमाशंकर जी, वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी जी, हमारे बीच में अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित, हरियाणा के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी व्यापारी बंधुगण, दो योजनाएं आपके सामने रखी हैं। वास्तव में तो चूंकि एक सिस्टम में से हम चलते हैं, लगातार वर्ष भर अपनी योजना से काम करते रहते हैं, लेकिन योजना में काम करते करते कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, आकस्मिक कोई ऐसा कारण बन गया जिससे हमारे चलते चलाते व्यापार में कोई नुकसान हो गया, जान को जोखिम हो गया, तो इस क्षतिपूर्तियों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं दुनिया भर में हैं। ये एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा ये होती है कि हर किसी का जीवन सुरक्षित हो, तो सुरक्षित करने के लिए आकस्मिक कोई नुकसान होता है उसके लिए आपसी सहयोग से मिलकर के योजनाएं बनानी चाहिए। तो इसमें सभी लोग मिलकर के जो योजनाएं बनाते हैं वो योजनाएं ऐसी होती हैं कि आने वाले समय का, भविष्य का कुछ भरोसा नहीं होता, उस समय की कोई बात अनहोनी ना हो जाए तो सब मिलकर के कोई ना कोई एक निधि इकट्ठी कर लें और उस निधि के बाद जिसका नुकसान हो उसको वो दे दिया जाए। एक प्रकार का ही सहकारिता का सिस्टम है, कोऑपरेटिव सिस्टम है, इसको बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी, हम कुछ भी कह लें, उस योजना के अलग अलग प्रकार करते हुए हमने एक न्यास बना दिया कि हरियाणा सरकार का एक न्यास रहेगा। उस न्यास में कुछ कलेक्शन जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको लाभ मिलना है, उनका एडवांस एक प्रीमियम थोड़ा सा लेकर के डाल दिया जाए, कुछ पैसा सरकार का डाल दिया जाए, मिली जुली योजनाएं बनाए। और खास करके ये योजनाएं जो थोड़ा सा अपने व्यापार में या आर्थिक स्थिति के नाते से बड़ों से थोड़ा नीचे हैं, कमजोर हैं, छोटा व्यापारी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। बड़ा व्यापारी शायद उसकी हड्डी सहन कर लेगी, उसकी इतनी ताकत है, वो एक जगह नहीं 10 जगह काम करता है, कहीं एक जगह नुकसान हो गया तो बाकी जगह से उसकी पूर्ति वो कर लेगा, लेकिन जिसका एक ही काम है उसी में नुकसान हो गया तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, रातों रात खत्म हो जाता है। जैसा बालकिशन जी कह रहे थे कि रात को वो चिंतित होता है, उसको पता नहीं सवेरे तक क्या हो जाए। हम अपने मार्केट में, दुकान में ताला लगा के आते हैं, सवेरे उठने से पहले कोई उल्टा सीधा समाचार मिल जाता है। तो ऐसे अवसर पर कोई तो चिंता करने वाला हो, तो चिंता करने वाला तो प्रभु है, वो सबकी चिंता करता है, फिर भी किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। तो उस नाते से मैं कह सकता हूं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना।
और मुझे भी अपने पास से कुछ नहीं करना, पूरा प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश में सब लोग मिल करके, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, सब मिल करके करेंगे। और मिलके करने में भूमिका जो है व्यापारी की बहुत बड़ी भूमिका है, छोटी भूमिका नहीं है। व्यापारी को सरकार का भामाशाह ये कहा गया है, सरकार के लिए व्यापारी धन कुबेर है, जनता और सरकार के बीच में एक माध्यम है, पैसा इकट्ठा करना होता है तो या तो सरकारी एजेंसी को लगाया जाओ भाई सबसे पैसा इकट्ठा करो, बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता वो, या फिर व्यापारी वर्ग है कि जो सिस्टम में से कहीं से सामान लेके आता है कीमत से और कीमत पर आगे दे देता है, सरकार कहता है भाई थोड़ा सा इतना हमारा भी इकट्ठा करके दे देना, यही तो कहते हैं। माल आप खरीद के लाते हो, 100 रुपए का लेके आते हो, 5 रुपया 10 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ते हो, हम कहते हैं भैया 12 15 18 हमारा भी जोड़ लो, तो यही करते हो आप, लेके उसको आगे दे देते हो, सिस्टम बना हुआ है जीएसटी। तो इस जीएसटी का भी हरियाणा के व्यापारी ने बहुत ही कमाल किया हुआ है। वैसे तो जीएसटी एक जब से शुरू हुआ बहुत इसका विरोध हुआ, जगह जगह जाके हमने भी समझाया, भाषण दिए, जो नाराज व्यापारी थे उनको मनाया। एक बड़ा अंतर देखा उस समय, जो थोड़ा बड़ी आयु का व्यापारी था, पुराना था, उसको बड़ी तकलीफ थी, नए को समझ नहीं थी, हम समझाते थे बहुत अच्छा है, और उसके बाद पुराने ने भी सारा हिसाब किताब छोड़ के नए अपने बेटों को बच्चों को साथियों को दे दिया, भैया अब ये नया सिस्टम है आप संभालो, और आज नया व्यापारी है वो इतना खुश है इससे, बहुत खुश है। वो कहते हैं जान छुड़ा दी दो भैयों की, एक भैया रात भाई रात को लिखते थे, एक भाई मुनीम आता था वो दिन को लिखता था, दिन वाली वो लिखता था कोई आके देखेगा दिखा देंगे, रात वाली या तो उस व्यापारी को पता होती थी या उसकी पत्नी को पता होती थी, किसी को पता ही नहीं होता था। वो दो नंबर की पर्चियां जेब में डाल के ले जाते थे, अगले दिन वो पर्ची लाते थे, विश्वास पात्र नौकर को देते थे, जा प्लाने से ले आइए 5,000 की पर्ची पैसे लेके आ जाए। मुझे थोड़ी जानकारियां क्यों हैं ये मैं आपको बता देता हूं, मैंने 72 से लेकर के 80 तक व्यापार किया, दुकान किया कपड़े की। और एक घटना सुनाता हूं, अच्छा चलो लाइव है कोई बात नहीं। देखिए ये सब करते थे, आज कोई नहीं करता, उस समय ये सारा काम दो नंबर की पर्चियों पर चलता था और 5-7 पर्चियां हमारी जेब में भी रहती थी। एक दिन बस में चढ़ते हुए किसी एक जेब कतरे ने जेब काट ली और वो बटुआ भी चला गया, वो पर्चियां भी चली गई, सब चला गया। तो हमें चिंता हुई, अब चिंता बटुए में कोई 200-400-500 रुपए उसकी नहीं थी, चिंता वो 4-5 पर्चियों की थी। अब रात भर सोए नहीं, सर्दियों के दिन थे, सवेरे सवेरे उठ के बस में बैठ करके मैं जिस जगह, क्योंकि जब मैं बस में चढ़ा उस समय कटी, तो ध्यान में आया कि हाँ इस जगह पर कटी है, तो दिमाग ने काम किया, थोड़ा उस जगह उतर के मैं उस रूट के ऊपर कोई 0.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चल के मैंने देखता हूं, और पैदल चलते चलते एक साइड में किनारे पर वो पर्चियां मिल गई क्यों वो किसी और के काम की तो थी नहीं ना, जिसने पैसे निकाले उसको तो जो बटुए में पैसे थे उसका मतलब था, उसको पर्चियां क्या लेने देनी थी। तो मेरा कहने का मतलब इन चीजों को ठीक करने में अब उस समय समझ नहीं थी, आज हमको समझ है कि नहीं, या और भी सारी चीजें इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि रात को आराम से नींद आ जाए। तो जीएसटी का जो विरोध हुआ था 6 महीने साल भर विरोध चला, 2016-17 में कब शुरू हुआ था, 17-18 में 1 जुलाई 17, लेकिन उस एक साल के बाद वो धीरे धीरे दबते 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 सारा विरोध समाप्त हो गया और आज लोग प्रसन्न हैं, खुश होकर के जीएसटी जमा कराते हैं। देश ने रिकॉर्ड तोड़ा, 4 महीने पहले जो मंथली कलेक्शन होती है 1,66,000 करोड़ रुपया देश में जीएसटी इकट्ठा हुआ। और एक अच्छी बात यह है कि जीएसटी कलेक्शन पर कैपिटा कलेक्शन इसका भी हिसाब लगाते हैं, वो आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा कलेक्शन कहां की है। छोटे प्रदेश तो वो अलग एक ग्रुप है 8-9 प्रदेशों का,
बड़े प्रदेशों का अलग ग्रुप है, छोटे प्रदेशों में तो सिक्किम है, सिक्किम के बाद गोवा है, बड़े प्रदेशों में नंबर एक पर हरियाणा है। यानी हमारा कलेक्शन 2,54,00,000 की आबादी पर पिछले साल 21-22 में 68,142 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ। 25,000 के करीब एवरेज आता, 26,700 समथिंग है पर हेड। यानी एक आदमी जितना माल खपत करता है उसमें से 26,000 रुपया वो सरकार को देता है, बाकी खुद खाता पीता है। तो ये बहुत, ये ठीक है कि उसमें से कलेक्शन में से बहुत सामान ऐसा भी है जो हमारे यहां उपयोग नहीं होता, वो दूसरे प्रदेशों में चला जाता है, फिर वो टैक्स वहां चला जाता है, रिटर्न भी होता है, एक्चुअल जो इनकम है वो कम है लेकिन कलेक्शन इतनी है। तो ये हरियाणा के व्यापारी का एक बहुत बड़ा, एक सुंदर एक सिस्टम बना हुआ है। इसमें हमको सारे सिस्टम पता है कि बड़े व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको एक टैक्स के रेट्स हैं वो सब देने होते हैं, अगर वो उस प्रकार से नहीं करना चाहता तो जो एक लमसम रेट है कंसोलिडेटेड 1% कंपोजिट स्कीम अप टू 150 1-1.5 करोड़ तक, उसको थोड़ा छोटा व्यापारी मान लेते हैं कि जिसका महीने में 12,00,000-13,00,000 की टर्नओवर है अर्थात रोज की 40,000-50,000 है, उसको छोटा व्यापारी मान करके भैया जितना टैक्स दिया है दिया है, बस 1% और दे दो तो मैं कुछ नहीं करना, हिसाब किताब भी कम, सीए के झंझट भी खत्म। केवल एक बार रजिस्ट्रेशन के समय सीए को पैसा देना होता 5-4 हजार रुपया, और आज जो 20,00,000 से नीचे वालों का रजिस्ट्रेशन वो झंझट भी खत्म। अब आपको नहीं देना, मेरा इसमें इतना ही कहना है कि हम जो जितने भी विषय हमारे सामने आते हैं केवल व्यापारी के ही नहीं, जनता के और भी, क्योंकि ये सारी योजनाएं सबको चाहिए, एक आम आदमी को भी चाहिए, किसान को भी चाहिए। किसान की क्षतिपूर्ति का अलग हमने एक पोर्टल बनाया, मानो खेती अब सबसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा यानी रिस्की अगर कोई काम है तो वो किसान का है। किसान की खेती खुली हवा में आकाश के नीचे पड़ी है, कब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, ओला पड़ जाए, उसकी फसल खराब हो जाती है। कम से कम हमारी सबकी जो स्टॉक होता है, स्टोर होता है, वो अंदर ताले में पड़ा है, उसका तो वो भी नहीं है, इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति भी सब करते हैं। अलग से एक पोर्टल बनाया है कि किसी का नुकसान हो जाए 72 घंटे के अंदर अपने आप चढ़ा दो, फिर उसका सर्वे पटवारी से, तहसीलदार से, डीसी से, एसडीएम से सब करा करके बाद में कितना तूने मंडी में बेचा है उसका जो डिफरेंस है वो उसका क्षतिपूर्ति में दे देते हैं। बहुत सरल सिस्टम हो गया, कोई कठिनाई नहीं आती है। जहां कहीं इसमें थोड़ा गड़बड़ करने का मानस होता वो भी अब रुक गया है, सबको पता लग गया जो असली भरेंगे वो मिलेगा। लेकिन अभी भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिनका कोई माली नुकसान होता है तो उसके अंदर थोड़ा अभी कमी है। जैसे बहुत छोटा रीढ़ी खोमचे वाला आदमी है, अब उसका जीएसटी नंबर तो है नहीं, ना वो रजिस्टर करेगा, एक 10-20 हजार रुपए का सामान लगाता है तो 10-20 कर सकता है वो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बड़ी कठिनाई उसके लिए भी है, हम संभालने में भी बड़ी दिक्कत आएगी, हर रेडी खोमचे वाले का कैसे हिसाब रखेंगे। तो हम एक योजना उसके लिए भी लेके आएंगे कि जो रेडी खोमचे वाला है उसके सामान के नुकसान होता है वो भी भरपाई करें, बहुत जल्दी उसकी योजना लेके आएंगे। जहां तक सेक्टर 9 की मार्केट का जिक्र किया, वहां तो 132 ऐसे भूखे वाले थे जिनका सब रातों रात नाश हो गया, नुकसान हो गया। हमने अगले दिन जाते ही पहले तो उनके घर को कुछ ना कुछ देकर के राहत दी कि उनके घर का एक महीने का खर्चा तो चल जाए, एक 20-25 हजार रुपया घर में चला जाए। फिर बाद में तुरंत डिपार्टमेंट को, HSBP को बुला करके उनकी जमीन उनको अलॉट कराई, उनसे बहुत सस्ते पैसे में उनको दिया, और न केवल 9 मार्केट में, आप बैठे हैं बीपी अग्रवाल, 3 और मार्केटें जो ठीक ठाक थी उनको भी दे दिए, 4 मार्केट में दिए, और उसके बाद फिर सारे हरियाणा में कर दी कि इस प्रकार की कोई मार्केट कहीं है और वो सरकारी जमीन पर है तो हम उसको थोड़ा पैसा लेकर के और उसको दे देंगे ताकि उसकी दुकान पक्की हो जाए। अभी पीछे एक विषय आया कि अर्बन लोकल बॉडीज की पुराने समय में, खास करके आजादी के बाद बहुत से लोग आए, उन्होंने अपना कोई खोखा बना लिया, कहीं पटेदारी पर जगह ले ली, कहीं लीज पर ले ली, और वो
दुकानें उकाने छोटे मोटे खोखे पोखे रख लिए, धीरे धीरे वहां दुकान भी बना ली। अब इतने साल हो गए हैं, 70 साल के बाद भी दुकान वो छोड़ सकते नहीं, क्योंकि रोजी रोटी का विषय है। कुछ लोगों ने दुकानें आगे दूसरों को भी दे दी पगड़ी पर, आखिर पगड़ियों पर ये सारे विषय चलते हैं जैसे किराएदार देते हैं। तो उस नाते से ध्यान में आया कि क्यों नहीं इनकी मलकियत इनको दे दी जाए। 20 साल से पुराना अगर किसी का विधिवत लीगल कब्जा है, कोई उसके पास रसीद है, पर्ची है, कुछ भी है, तो उससे एक रेट तय कर दिया कि इस रेट के हिसाब से पैसा जमा करो और रजिस्ट्री करा लो। हजारों केस ऐसे आ गए हैं, कुछ तो हो भी गए हैं। मोहित जी कितने हुए हैं? 800। दो 2000 एप्लीकेशन आ गई है, तो उसमें से 1200 प्रोसेस में 800 हो गए हैं। प्रोसेस में कुछ कागजी कार्रवाई और कहीं कहीं गड़बड़े क्या हुई, हमारे सरकारी कर्म जो डिपार्टमेंट है ना, वो भी बड़े मजेदार हैं जैसे काम करते हैं। शहरों में जमीन तो अलग अलग विभाग की होती है, तो वहां क्या PWD की जमीन है, इरीगेशन की है, किसी ने खोखा वहां लगाया और वो म्यूनिसपैलिटी में गया, जी हम जो ये लगाए बैठे हैं जरा हमारी पर्ची काट दो। जमीन PWD की, इरीगेशन की, किराया चढ़ा दिया ULB ने और ULB के नाम से किराया खाए जा रहे हैं। आज जब रजिस्ट्री कराने लगे तो कहते हैं ये तो हमारे नाम ही नहीं है। अब ULB वाले पकड़े गए, तब जाके हमने चीफ सेक्रेटरी कहा कि भाई शहर के अंदर इस पॉलिसी को सारे डिपार्टमेंट जितनी जमीनें सब की हैं सब अडॉप्ट कर लें, सब इस हिसाब से दे दें। तो मित्रों आज आपको मैं इस विषय पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो दो स्कीमें शुरू की गई हैं, नाम इसका एक का तो बहुत बड़ा सा रखा है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, शायद कोई याद रखे ना रखे, लेकिन मुझे बैठे बैठे ध्यान में आया कि दयाल उपाध्याय तो ये दयालु बन जाता है, सार्थक नाम है कि नहीं। तो ये दयालु योजना जिसमें हम 5 वर्ष से 12 वर्ष तक 1 लाख रुपया, 12 से लेकर 18 वर्ष तक 2 लाख रुपया, 18 से आगे जो भी योजना बनाई है उस योजना का नाम दयालु योजना रहेगा, इसको इसी ढंग से उल्लेख करें, ठीक है। और दूसरी योजना उसको संक्षेप में नाम है क्षतिपूर्ति योजना। उस क्षतिपूर्ति योजना का दायरा कैसे कैसे बढ़ाएंगे वो धीरे धीरे आप लोगों को पता लग जाएगा। और बाकी सारी स्कीम का जो विवरण है वो सब बता दिया है। इसमें हमारे जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जैसा बताया कि 60% लोग तो जो 40 लाख से नीचे का रजिस्ट्रेशन है, एक बहुत बड़ा अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बार हमको कहा था कि देखिए रजिस्ट्रेशन में किसी को नुकसान होने वाला नहीं है, कुछ लाभ ही होगा, छोटे बड़े सबका रजिस्ट्रेशन कराओ ताकि आगे चल करके उनको बड़े होने का मौका मिलेगा। और जब वो 40 लाख से बढ़ जाएंगे तो उनको अचानक कोई दिक्कत नहीं आएगी, 40 लाख के 50 हो गया, 60 हो गया, हर किसी इच्छा करेगी मैं ज्यादा बढ़ू आगे। टैक्स देने में किसी को कोई संकोच नहीं होता, टैक्स देने का संकोच एक ही समय होता कि जब मैं टैक्स दे रहा हूं मेरा पड़ोसी टैक्स नहीं दे रहा, उस समय तकलीफ होती है, फिर उसका माल बिकता मेरा नहीं बिकता, यही होता ना। और अगर सब देने लग जाए तो फिर भैया चाहे वो 10% हो, चाहे 12 हो, चाहे 25 हो, सभी दे रहे हैं तो खर्चा तो मालते पैना हो गया ना। चलिए एक विषय शायद इस योजना में कहीं आया नहीं है कि ये जो बीमा है, ये बीमा जो पहले से बीमित फर्में हैं या जो संस्थान है उसको बीमा नहीं कराना है और ना उसको उपयोगी होगा, क्योंकि बीमा एक ही जगह से मिलेगा। और जो लोग लोन लेकर के अपना कहीं ना कहीं से काम चलाते हैं उनका बीमा पहले से बैंक कराता है, उनको नहीं कराना इसमें, वरना कहीं कहेंगे लो जी हमने तो इसलिए करा दिया था, उधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, दो जगह से नहीं मिलेगा। बाकी जो बातें हैं सारी हमारे अनुराग रस्तोगी जी ने बताई हैं, मैं आपको इस अवसर पर बहुत ही शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार से आप बढ़ें, कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो आप अपने जो हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है, इनके अध्यक्ष हैं, इनके उपाध्यक्ष हैं और जो मेंबर्स हैं, किसी के माध्यम से हमारे पास भेजेंगे, पहुंचाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में संबोधित कर रहे थे। सरकार द्वारा कई योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया, साथ ही अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए
उनका भी जिक्र किया और इसके साथ साथ जो सिस्टम में खामियां हैं उसका भी जिक्र किया और इन योजनाओं को लागू करने के बाद उन खामियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकेगा ये बता रहे थे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई और कई योजनाओं की शुरुआत और ऐलान किया गया।